अवैध हथियार रखने के आरोप में डुमरी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चैनपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिरिल कुमार मरांडी ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि डुमरी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डुमरी प्रखंड के खेतली पंचायत अंतर्गत मदरिया गांव निवासी शशिभूषण एक्का पिता स्वनोवेल एक्का अपने घर में देसी बंदूक रखा है, जिसका उपयोग वह लोगों को डराने धमकाने में कर रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी थाना प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। गुरुवार को मदरिया गांव स्थित उसके घर में छापेमारी कर अवैध हथियार, जिसमें 12 बोर का एक देसी एक नाली बंदूक, 12 बोर का एक देसी भरडुवा बंदूक, 12 बोर का एक जिंदा कारतूस व 12 बोर का 7 खाली कारतूस के साथ अभियुक्त शशि भूषण को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। क्या मामला है सर? आज सुबह थाना प्रभारी डुमरी को सूचना मिली कि मंदुरिया गांव में शशि भूषण एक्का के घर में बंदूक रखा हुआ है। इसकी सूचना पर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में मंदुरिया गांव में जाकर शशि भूषण घर का तलाशी लिया गया, जिसके घर से एक 12 बोर का भराटी बंदूक और एक 12 बोर का देसी बंदूक बरामद किया गया। इस संबंध में शशि भूषण एक्का से अवैध वैध कागज का मांग किया गया, किंतु उसके द्वारा कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया गया। और उसके साथ ही एक जिंदा गोली 12 बोर का और 7 खाली खोखा 12 बोर का बरामद किया गया। सर, कोई आपराधिक मामला जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं? आपराधिक मामला तो यह है कि ये इस बंदूक से आदमी को डरा धमका करके रखता था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।